अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपको अपने पार्सल को, अपने ऑर्डर को ट्रैक किस तरह से करते हैं ये आज आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्राइट ड्रीम के ऐप को आपने ओपन करना है, ठीक है। आपने इसको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमने ओपन किया जी, ये साइन इन हो गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है या प्रोसेस में आ गया। जब आप कोई ऑर्डर डन करते हैं तो वो पहले पेंडिंग में होता है, मींस अभी वो आपका प्रोसेस नहीं आया। जब आपका वो प्रोसेस में आ जाता है देन ये सेकंड जो ऑप्शन है इन प्रोसेस ऑर्डर्स, यहाँ वो आपको ये वाला आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसको फिर आपने प्रोसेस वाले को आपने क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपके पास देखें ये आ जाते हैं आपके पास टू ऑर्डर्स हैं, ठीक है। हमने देखना है कि ये इस वाले ऑर्डर को चेक करते हैं, इसमें सारी डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर है, नाम है और टोटल इनवॉइस और ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। और ये रिमार्क्स है राइडर, ये राइडर सर्विस है, उसके थ्रू ये जो है जाएगा आपका पार्सल, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये ऑर्डर डिटेल्स है ना, यहाँ हमने ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करना है। अब ये देखें यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको दी हुई है कंपनी ने, आप ठीक है, जो आपने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सारा कुछ, और प्रोडक्ट कौन सा है, प्राइस उसकी, पॉइंट्स कितने हैं आपके, क्वान्टिटी कितनी है, ठीक है। और ऑर्डर डेट आपने कब ऑर्डर डन किया था, और डिलीवरी डेट भी, जब आपका ये डिलीवर हो जाएगा देन यहाँ पे वो डिलीवरी डेट भी आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है आपकी ट्रैकिंग आईडी है, देखें तो ये जो ट्रैकिंग लिखा हुआ है इसके नीचे आपका उन्होंने ट्रैकिंग नंबर दिया और नीचे रिमार्क है राइडर। अब आपने क्या करना है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है ना आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया, अब आपने ये जो राइडर है ना रिमार्क, इसके राइडर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो आप यहाँ ये वेब सर्च है ना इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके पास ये देखें ये राइडर का सर्च बार में राइडर लिखा गया है, अब आपने इसको क्लिक किया देन नीचे आपके पास आ जाते हैं ऑप्शन, वो कह रहे हैं कि राइडर ट्रैकिंग करना है, कोरियर जो भी हमें ट्रैक करना है, तो राइडर ट्रैकिंग पे क्लिक किया। अब ये फर्स्ट वाली जो आपके पास वेबसाइट आई ना राइडर ट्रैकिंग पोर्टल, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने नंबर जो है ना वो एंटर करें, जो आपने नंबर कॉपी किया है ना आपने अपने नीचे वो क्लिपबोर्ड में चेक करें, ये है वो नंबर, ठीक है, ये जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था आपके ट्रैकिंग नंबर जो है। फिर आपने इसको सबमिट किया, अब आपने ये कॉरियर कंपनी उनके पास ये उन्होंने उनको बुक करवा दिया, और ये डेट है 9, ठीक है, और टाइम है 10:37 AM। तो अब आपका ये कब बनता है कि आपने इसको जो है डेली, मतलब आज ये बुक है ना, अब आपने शाम में दोबारा चेक करें कि अभी तक बुक है या फिर मज़ीद मतलब आगे ये प्रोसेस में क्या है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप अगर रात तक बुक होगा फिर कल आपने दोबारा इसको चेक करना है, इसी तरह से उसको ट्रैकिंग नंबर को आपने कॉपी करना है, देन आप उसको जो है ना ट्रैकिंग करेंगे यहाँ पर ला के उसको नंबर डालेंगे तो नीचे फिर आपकी ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये जो है ना ये ट्रैक करना होता है अपने ऑर्डर को।